राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम पर्यावरण पर ध्यान। एक विद्यालय में एक थे मुख्य अध्यापक। मुख्य अध्यापक कम उम्र के थे, किंतु उनमें उत्साह की कमी नहीं थी। वे नए विचारों के व्यक्ति थे, वर्तमान में जीने वाले मनुष्य थे और नए आविष्कारों तथा वैज्ञानिक खोजों के नए आयामों के प्रति पूर्णतया सजग थे। पर्यावरण से उन्हें बेहद प्रेम था और उनके छात्रों में भी काफी उत्साह था। मुख्य अध्यापक का विश्वास था कि उनके छात्रों को अच्छे विचारों के व्यक्तियों को जानने का अवसर मिलना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए वे अक्सर विशेषज्ञों को निमंत्रित करते रहते थे जो ऊंची कक्षाओं के छात्रों को अपने विचारों से अवगत कराते थे। हाल ही में बनी शहर की पर्यावरण संस्था का भी ये स्कूल सदस्य था। मुख्य अध्यापक ने पर्यावरण पर एक परियोजना भी तैयार की थी और उस दिन एक जाने माने विद्वान पर्यावरण की देखरेख पर एक भाषण भी देने वाले थे। संयोग की बात है कि उन दिनों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच का वो दूसरा दिन था। ये मैच कोलकाता में खेला जा रहा था और गावस्कर भारत की टीम के कप्तान थे। उनमें से एक लड़का ट्रांजिस्टर लेकर आया था और सबके कान उसी से चिपके हुए थे। उनके चेहरों के भावों से उनकी रुचि और उमंग का पता चल रहा था। रॉय आउट हो चुका था। विश्वनाथ 48 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था और गावस्कर अभी 86 रनों पर खेल रहे थे। सब लोग बड़ी बेचैनी से गावस्कर के शतक की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे समय स्कूल की क्रिकेट टीम के कप्तान रघु ने सब बच्चों को जमा किया। बड़ी अनिच्छा से वे जमा हुए। उनमें से कुछ एक तो बड़बड़ा रहे थे, कुछ एक रास्ते के पत्थरों को ठोकर मारते हुए अपनी खींच प्रकट कर रहे थे, कुछ एक रघु की बातें सुन रहे थे जो कह रहा था, हमने जिस वक्ता को निमंत्रित किया है कम से कम उनके प्रति हमें आदर तो दिखाना चाहिए, आखिर वो इतनी दूर से भाषण देने आए हैं। वक्ता कम उम्र के थे, जिनके चेहरे से सौम्य टपक रहा था और जिनकी आंखों में चमक थी। सबसे पहले उन्होंने इस बात की क्षमा मांगी कि उन्होंने ये भाषण उस दिन देना स्वीकार किया जबकि उन्हें क्रिकेट का आंखों देखा हाल सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तविकता तो ये थी कि वो स्वयं भी सुनील गावस्कर के शतक के बारे में सुनना चाहते थे। उनकी सहजता तथा सरलता ने सबके मन का विरोध दूर कर दिया। उनका वक्तव्य इतना रोचक था कि शीघ्र ही सारे विद्यार्थी उस प्रवाह में बह चले। वे उनके विचारों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनका विषय था पर्यावरण को खतरा। उन्होंने कहा कि किस प्रकार मनुष्य पृथ्वी तथा पर्यावरण से बड़े गहरे संबंधों से जुड़ा है। मनुष्य अपने आप में अकेला प्राणी बनकर नहीं जी सकता, उसे हवा, पानी तथा पृथ्वी की आवश्यकता होती है। ये वे स्रोत हैं जिनसे मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। प्राचीन काल में मनुष्य और प्रकृति के बहुत मधुर संबंध थे और अपने जीवन की छोटी से छोटी आवश्यकता की पूर्ति मनुष्य प्रकृति की गोद से पाता था।
परंतु जैसे जैसे वो अपने आप को अधिक सभ्य मानने लगा, वैसे वैसे अपने ऐशो आराम के लिए वो बड़ी क्रूरता से प्रकृति को नष्ट करने लगा। और अब मनुष्य प्रकृति की शांति और उसकी ध्वनियों के प्रति तनिक भी संवेदनशील नहीं है। अपने भाषण के बीच बीच में वक्ता ने तस्वीरें भी दिखाई, ये समझाने के लिए कि मनुष्य किस प्रकार अपने पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, किस प्रकार पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि हम प्रदूषण के तीन प्रकार पाते हैं, हवा, जल तथा शोर। हवा प्रदूषित कैसे होती है? ये बसों, ट्रकों, मोटरों, वायुयानों द्वारा छोड़े गए धुएं से होता है, जो वातावरण को अस्वास्थ्यकर बनाती है। इनकी वजह से सांस लेना भी कठिन हो जाता है। बस्तियों तथा मोहल्लों के पास उद्योग तथा कारखानों के होने के कारण वातावरण रासायनिक वस्तुओं तथा बेकार की वस्तुओं से प्रदूषित हो जाता है। मनुष्य उद्योगों के लिए रसायनों का प्रयोग करता है और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक अपशिष्ट उत्पन्न कर लेता है। अगर इनको पुनः काम में न लाया जाए तो ये पृथ्वी और वातावरण को दूषित कर देते हैं। ये अपशिष्ट पशुओं, पक्षियों, पौधों तथा मनुष्यों के लिए खतरे का कारण है। इसके अलावा कारखानों में से निकली हुई कार्बन मोनोऑक्साइड हवा की स्वच्छता को नष्ट करती है और इन क्षेत्रों के लोग स्वच्छ वायु में सांस भी नहीं ले सकते। वक्ता ने सारे विश्व में फैले वातावरण के प्रदूषण के अनेक उदाहरण दिए। उनकी बातें सुनकर बच्चे हैरान थे। इसके बाद उन्होंने जल के प्रदूषण का प्रश्न उठाया। शहर की नालियों की ओर क्या तुमने कभी ध्यान दिया है? किस तरह शहरों की गंदगी नदी में जमा होती है और वहां से समुद्र में जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार कारखानों की गंदगी भी नदी में जमा होती है। नदी पानी का सबसे अच्छा स्रोत है, इसलिए कई स्थानों में नदी ही मनुष्य का जीवन होती है। किंतु जिस निर्दयता से हम उसमें सारी गंदगी फेंकते हैं, उससे वो इतनी गंदी हो जाती है कि उसे साफ कर पाना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। समुद्र के तल में कई छोटे छोटे प्राणी जन्म लेते हैं, किंतु उन्हें साफ तथा ताजा पानी के वातावरण की आवश्यकता होती है। समुद्र के प्रदूषित होने के साथ साथ उनकी भी मृत्यु हो जाती है। समुद्र के सतही स्तर पर करीब 10 से 20 फीट तक मल तथा गंदगी इकट्ठी होती है। अगर हम इसी तरह नदी को प्रदूषित करते रहे तो पृथ्वी की ये अमूल्य संपदा शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। मनुष्य की इस संपत्ति के विनाश को देखकर कई वैज्ञानिक तथा अन्य व्यक्ति चिंतित हैं। इन सब बातों को वक्ता ने चित्रों की सहायता से समझाया और इस ओर भी ध्यान दिलाया कि किस तरह मनुष्य अपने भोजन के लिए व्हेल मछली तथा सील मछली की दुर्लभ जातियों को नष्ट कर रहा है और डॉल्फिन भी अब दुर्लभ होते जा रहे हैं। अगली समस्या जो वक्ता ने उठाई वो थी शहर के बढ़ते हुए शोर प्रदूषण की। संयोग ये हुआ कि उसी समय मोहल्ले में माइक पर एक फिल्म का गाना जोर जोर से बजने लगा। स्कूल की शांति भंग हो गई
और साथ ही बच्चे हंस पड़े। वे सभी इस प्रकार के प्रदूषण से भलीभांति परिचित थे। ये बात उनकी दृष्टि से छिपी न थी कि होटलों, सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों तथा पवित्र स्थानों में लाउडस्पीकरों का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए अथवा मनोरंजन के लिए किया जाता था। वक्ता ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस प्रकार से ध्यान आकर्षित करना चिंता की बात है? उन्होंने बताया कि इस बात की ओर लोग कम ध्यान देते हैं कि सड़कों के कोनों में जोर से बजाया जाने वाला संगीत वातावरण को प्रभावित करता है। शोर प्रदूषण का अन्य स्रोत सड़कों पर दौड़ती हुई मोटरों तथा ट्रकों के हॉर्न हैं। जनसंख्या के अधिक होने के साथ साथ यातायात भी अनियमित हो रहा है और अधिकांश शहरों के रास्ते बड़ी बड़ी गाड़ियों तथा ट्रकों से भरे पड़े हैं। किसी को उनका ठीक से संचालन करने की चिंता नहीं। उन्होंने बच्चों को बताया कि औद्योगिकरण के चाहे जो भी लाभ हों, लेकिन उनसे बहुत सारी हानियां भी हैं। बच्चों के भी अपने अपने मत थे और उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे। बच्चों ने ध्यान दिलाया कि किस तरह उनके घरों के पास और स्कूल के सामने भी कूड़े करकट का एक पहाड़ सा है, जिसे नगर निगम बराबर साफ नहीं करता और जिसके कारण वहां रहना भी असहनीय हो गया है। कुछ किया जाना चाहिए, बच्चों ने कहा। वक्ता ने उनकी सराहना की और उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि सबसे पहले तो कूड़े करकट के बारे में ही जान लेना चाहिए। कूड़े करकट तीन प्रकार के होते हैं। पहले तो रसोई घर का कचरा, फिर उसके बाद पत्तियों, फलों के छिलकों, फूलों आदि का कचरा, सूखा कचरा जैसे कागज, बोतलें, प्लास्टिक आदि। अगर हम अपने घरों में इन तीन प्रकार के कचरों को अलग अलग रखें तो केवल रसोई घर के कचरे को नगर निगम के कूड़ेदानों में डाला जा सकता है। पत्तों तथा फलों के छिलके आदि की खाद बनाई जा सकती है और कागज तथा बोतलों को बेचकर उन्हें फिर से काम में लाया जा सकता है। इस प्रकार कूड़े करकट की समस्या बहुत कम हो जाएगी। बच्चों ने बहुत कुछ सीखा और बाद में घर पहुंचकर उन्होंने अपनी अपनी माँ से इस विषय पर चर्चा भी की। इसके बाद बच्चों ने वक्ता से निर्दयता पूर्वक काटे जा रहे जंगलों तथा वृक्षों के विषय में पूछा। वक्ता ने उन्हें बताया कि किस तरह वन कटाई के कारण पृथ्वी का जैव मंडल तथा वातावरण प्रभावित होता है। जब वृक्ष काटे जाते हैं तब वहां के वर्षा चक्र पर प्रभाव पड़ता है और वहां हमेशा कम वर्षा होती है। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने ध्यान दिया है कि किस प्रकार हमारा मौसम बदल रहा है? अधिकांश शहर तापमान के एकाएक अधिक होने के कारण और गर्म हो रहे हैं। चूंकि वाष्पीकरण तथा संघनन की क्रिया जिसके बारे में तुम पढ़ चुके हो उन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सूखे तथा बहुत कम वर्षा की स्थिति आ जाती है। इसके अलावा भूमि के कटाव के कारण जमीन को भी बहुत क्षति पहुंचती है। वृक्षों की रक्षा हजारों साल तक की जानी चाहिए और पृथ्वी को हरा भरा तथा सुंदर बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि हर बच्चे को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखरेख करनी चाहिए। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे तुम वातावरण के प्रति, इस पृथ्वी की देखरेख के प्रति और सजग होते जाओगे।
इसके पश्चात वक्ता ने अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के कुछ अभूतपूर्व चित्र दिखाए। उन्होंने बच्चों से इस सुंदर पृथ्वी की देखभाल का आग्रह किया। बच्चों तथा अध्यापकों का दिल भर आया। वे उस भाषण में इतना डूब चुके थे कि किसी को क्रिकेट की याद भी ना रही। कुछ उत्सुक छात्रों ने वक्ता को घेर लिया और कुछ फिर से उन चित्रों को देखना चाहते थे। उस दिन के बाद शहर के पर्यावरण संस्था के कार्यक्रमों में स्कूल बड़े उत्साह के साथ भाग लेने लगा। हर कक्षा ने स्थानीय नागरिक समिति के लिए एक परियोजना का कार्य संभाला। क्या तुम्हें पर्यावरण के विषय में सोचने का अवसर मिला है? क्या तुम कुछ करना चाहोगे? क्या तुम्हें ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं लगता? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।